आज हम आप लोगों को कठपुतली का एक खेल दिखाएंगे, पर यह केवल खेल ही नहीं है, औरत की जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है। कल रात को उसका पति दारू पी के आ गया और कमला को खूब मारा। अच्छा, कोई उसे गांव में समझाता नहीं? उनके यार दोस्त दारू पीते हैं जी। क्या समझाएं बहन जी, हमारे तो कोई सुनता नहीं है। और जो आदमी लोग हैं वो तो फ्री है, कहते हैं कमला तो स्कूल जाती है, खूब बोलती है, ये करती है। अब बेचारी करे तो क्या करे, बहुत ही दुखी है वो तो। गंगा। हाँ जी। तेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो रही है, अभी के अभी तेरे को गाँव बुलाई। बहन जी मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। हाँ जाओ जल्दी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ओ माँ कैसी है आपकी तबीयत? तू आ गई बेटी? हाँ। अरे तबीयत बहुत खराब है। अरे चाचा जी ने आके देखा आपको? कोई नहीं आता है बेटी, कोई पानी पिलाने वाला ही नहीं। इतने दिन से बीमार हो, खबर भी नहीं भेजी। मैं बुला के लाती हूँ चाचा जी को, देखती हूँ। अरे गंगा। हाँ। तू कब आई? मैं आज ही आई अभी। आप बाल बच्चे तो मजे में? बच्चे तो सब मजे में ही हैं, यहाँ माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ वो तो बहुत दिनों से ऐसे ही चल रही है। बहुत दिनों से चल रही है, आप लोगों ने किसी ने खबर भी नहीं भेजी। अरे खबर भेजते हैं भाई, कोई बोलता ही नहीं होगा तुमको आकर के। मेरे पास तो कल ही गया एक आदमी, जो ही मुझे खबर मिली मैं दौड़ी दौड़ी माँ को देखने के लिए आई। उसकी हालत बहुत खराब है। खराब है तो 24 घंटे कौन बैठे रहे भाई, पानी पानी करती रहती है वो तो। पर चाचा जी आपकी तो भाभी है, आपकी भी माँ के जैसे ही है वो, आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? भाई हमारे यहाँ कहाँ डॉक्टर है, हमारे यहाँ तो देसी दवाई करवाई है। क्यों भाई, दिन भर हम काम पे रहते हैं, हैं? अब रात को आते हैं देरी से, और वो सारी रात बारे 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 करती है। अब तू आ गई, तू संभाल, तेरी भी तो माँ है। चाचा जी आपको पता है उस हालत में मैं माँ को कैसे लेके जा सकती हूँ? वो उसकी सूजा लाल की है ना गाड़ी, आप अपनी गाड़ी दे दीजिए। मेरी बैलगाड़ी तो शहर गई हुई है। और मेरा बैल दो महीने से बीमार है। कि यहाँ पर कोई गाड़ी घोड़े का इंतजाम तो है नहीं। हाँ। दो चार आदमी कर ले जाएंगे। तो बुड्ढी है डोगरी भी। बस गंगा। हाँ? माँ को पानी वानी पिला दे भाई। हाँ पिला लेते हैं माँ को, आप भी पी लीजिए। भाई जरा आहिस्ता धीरे से। अरे धीरे से। तू पानी लिया यार। अच्छा माँ। ओ माँ माँ। अरे पानी पियेंगे? सो गई क्या? ओ माँ क्या हुआ माँ? अरे ये क्या हुआ? ओ माँ। अरे ये क्या हुआ? इसको तो जाना ही था एक दिन। बोले सत है, सत है,
मृत्यु बहुत तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा ही होना चाहिए, कोई इसके खाने वाला तो है नहीं पीछे। हाँ एक ही लड़की है जो इस ससुराल चली गई, और लड़की का क्या हक है जी उसमें, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, सवाल डोकरी का डोकरी के लगा देंगे। हाँ यही मैं कह रहा था, खानदान की इज्जत का सवाल है साहब। हाँ काम तो बढ़िया ही होना चाहिए साहब, रसोई में भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। काम तो बढ़िया ही होना चाहिए, कैसी बातें कर रहे हो, इतने दिन कहाँ चले गए थे जब माँ बीमार थी। गंगा तुझे यहाँ पंचायत में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे खानदान का मामला है। उस समय तो किसी ने नहीं संभाला, अब उसके मरते से मृत्यु भोज की बातें करने लग गए। अरे वाह भाई साहब का इतना बड़ा बोझ किया तो भाभी का नहीं करेंगे, हमारी नाक कटवाना चाहती क्या तू समाज के अंदर। गांव की इज्जत का सवाल है, तेरा क्या है इसमें, गांव वाले करेंगे इसमें। बस तू लड़की है जा अपने ससुराल, उसकी जिंदगी और मौत से गांव की इज्जत का सवाल हो गया। अरे देख लिया अब तो जो जमीन जायदाद संभालेगा वो मृत्यु भोज करेगा। वो चली गई उसके बाद उसकी जमीन को लेके बहुत झगड़े हो रहे हैं। क्या बस वो कह रहे हैं इस जमीन उसके पास है ही, उसका अपना पैसा, हम खूब बड़ा मृत्युभोज करेंगे और ये करेंगे पूरी समाज का करेंगे। मैंने कहा उनको कि इतना बड़ा मृत्युभोज नहीं करना उस जमीन पे, चाहे आप कुछ भी कहो उस जमीन को मैं इस काम में नहीं लेने दूंगी, पर मुझे कौन सुनेगा वहाँ, मैं लड़की हूँ। अरे लड़की है तो क्या हुआ, आजकल तो लड़के लड़कियों का बराबर हक होता है माँ बापों की जमीन जायदाद में। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए अपन ज्यादा यदि वो नहीं देंगे तो अपन कोर्ट कचहरी में अर्जी दे देंगे। तो अरे अभी आप बताओ बहन जी, जैसे आप बताओगे मैं तो बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, फिर सभी बहनें भी सोच लेंगी। एक बात और है बहन जी, अर्जी देकर के भी अगर अधिकार नहीं मिला तब हम क्या करेंगे। अरे कैसे नहीं मिलेगा, अपन सब साथ तो है फिर। साथ तो है। सारी बहनों मेरी प्यारी बहनों, सारी बहनों मेरी प्यारी बहनों, हम आज लड़ेंगे आज मरेंगे नारी के हथियारों से, जीत सकेगा कोई बाजी नारी के विचारों से। तेरे हौसले जिंदाबाद, तेरे फैसले जिंदाबाद, तेरा कारवां जिंदाबाद। गंगा ही की तरह और भी बहुत सारी बहनों को इस तरह की समस्याएं सामना करना पड़ता है। आइए हम लोग सब चलकर वसुधा जी से मिलें। वसुधा जी ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर खासकर आदिवासी क्षेत्रों में कानूनी सहायता का काम करती रही हैं। वसुधा जी आप बताएंगी कि संपत्ति के बारे में औरतों के क्या अधिकार होते हैं। 1956 के पहले औरतों को अपने पिता के और पति के संपत्ति में कुछ हिस्सा नहीं मिलता था। लड़कियां शादी होके गई तो उनके कुछ भी नहीं मिलता था, और पत्नी को पति के जायदाद से सिर्फ रोटी कपड़ा और सर पर एक छत मिलता था। लेकिन 56 साल से परिस्थिति बदल गई है, औरतों को अपने पति के संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा मिलता है, और लड़कियों को उसके निजी संपत्ति में भाई के बराबर और बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति में कुछ कम हिस्सा मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन पाया जाता है कि अक्सर लड़कियाँ अपने भाइयों से बंटवारा नहीं मांगती हैं, वो सोचती हैं ऐसा करने से भाई रूठ जाएंगे और हम मायके नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उन्हें ऐसे संपत्ति पर का हक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर जब उन्हें कोई दुख तकलीफ आती है या और भी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कोई पैसा हाथ में नहीं मिलता है। वसुधा मजदूरी के बारे में क्या कानून है कुछ बताएंगी आप। मजदूरी के बारे में दो महत्वपूर्ण कानून है, एक तो है न्यूनतम मजदूरी का कानून और दूसरा है समान काम के लिए समान वेतन का कानून। इसका मतलब है कि यदि पुरुष और नारी दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को एक ही वेतन मिलना होगा। जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी का सवाल है, वो किसी समय क्या है वो अलग अलग राज्य में अलग होती है और वो समय समय पर बढ़ाई जाती है। अब किसी समय क्या वो मजदूरी है वो उस जिले के श्रम अधिकारी या इंस्पेक्टर से ही पता लगवाना होगा। लेकिन ये पाया जाता है कि कानून जो भी कहे, मालिक न तो न्यूनतम मजदूरी देने को तैयार होते हैं और न तो समान काम के लिए समान वेतन देने को तैयार होते हैं, इसलिए उनसे संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के लिए औरतों को संगठन बना के मालिक के पास जाना होगा, यदि वहाँ न काम चले तो संगठन के द्वारा कोर्ट में जाकर वहाँ केस लड़ना होगा, और केस जीतने के बावजूद भी यदि मालिक
उनका हक नहीं देता है तो फिर संगठन के जरिए ही उसके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। यह है नौरती, राजस्थान के हरमाड़ा गांव की नौरती। आइए आज नौरती की कहानी सुनाएं। नौरती का जीवन भी बच्चों की देखभाल, घर का कामकाज, खेतीबाड़ी से ही गुजारा होता है। पर फिर भी नौरती की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नौरती ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, वह भी तब जब सड़क पे काम करती थी और गरीब महिलाओं की तरह ही रोज की मजदूरी पर नौरती भी अपना मजदूरी कमाती थी। मजदूरी के पूरे पैसे औरतों को तो शायद ही कभी मिले होंगे, लेकिन इसकी अगुवाई करना, मेट की पोल खोलकर बड़े बड़े अफसरों को सारी बातें बताना, नौरती ने ही किया यह सब। उसी की दृढ़ता के कारण मजदूरी का केस भी लड़ा गया, जीत हुई और बाकी पैसे औरतों को भी मिले। लेकिन नौरती को यह बहुत महंगा पड़ा। 2 साल तक उसे कहीं मजदूरी नहीं मिली। धीरे धीरे और औरतों का साथ भी छूट गया, पर नौरती ने पक्का इरादा कर लिया कि वह मजदूरों के साथ ही काम करेगी, उनको अपने हकों के लिए जागरूक करेगी। आइए उसी से पूछें वह यह काम करती कैसे है। कटे भी मजदूरी आला 10, 5, 15, 20 कटे फिर नाला भी मिल जावे, कटे कोई कसा का गार आलता भी मिल जावे, कटे खेत का मैंने मजदूर पे काम करता हुआ तो बाकी साथ का मैंने भी मैं बात किया भाई के आप 11 की रेट होगी है पर आप 11 की रेट ले भाई के आप कोशिश करा। बुआरू का मैंने भी मीटिंग किया 2-3 तो और नुआ गाँव का मैंने 5-4 मीटिंग बिठा कर ली मैं और हरमाड़ा का मैंने तो मैं काशा मीटिंग कर ली, कोई 8 मीटिंग कर ली होली बोली मजदूरी मजदूरी पर तो लुगाया का जरूर असर पड़े। हर महीने की महीना मीटिंग करा और फ्री रहा यदि नहीं मीटिंग करा तो भी मैं घर घर का महीने जा रही लुगाया ना अकदार का ज्यादा तो अपना हक मांग कर सब लुगाया मिल आप एको करा तो पूरा पीछे आई और नहीं तो आप नैरी आप खेवा इन जैन घर में दबेड़ा रहा जैन अटाई सरकार का काम में दबेड़ा रहा तो आपने तो कोई सुनवाला ही कौन तो आप जो पहली गरीब आप यूं भी ज्यादा गरीब हो जावा। मजदूरी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नौरती गांव-गांव में मीटिंग करती है, घरों में जाकर मजदूरों की समस्याएं सुनती है, खेतों में खुद मजदूरी करती है और साथ साथ मजदूरी की बातें करती जाती है। रोज नापे 8 दिन ही नापे कोई जो छतरी नहीं निकलो तो काम तो ज्यादा कौन करता है, आदमी करता है लुगाई, आदमी का ही लुगाई करती ज्यादा काम करती ज्यादा। बुढ़ाई करते समय, खाना खाते समय नौरती वही मजदूरी की बातें करती है, गांव-गांव में जाकर वही बात समझाती, साथ मिलकर आवाज उठाओ, पूरे पैसे की मांग करो। थोड़ी दूर बाद बैठो जिसे भी तो बैठो ऐसे बैठो ना आगे क्यों करो
बेटा ने बुलाया अभी पड़ोसी ने बुलाया अभी ने बुलाया पड़ोसी ने कहेंगे तो 10 लोग हैं 5 लोग हैं 15 लोग हैं हो जाओ तो हम शाम का 5 बजे सफा करने चाहूं पानी ले नहाओ क्या कभी आपके मन में ये आता है कि ये काम करने में घर का काम का तो नुकसान होता है घर तो नुकसान भी हुआ घर नुकसान हुआ तो इसका दुख तो नहीं होता कभी हुआ बट मैं सोचो तो दुनिया का फायदा और भी अपने घर में नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं तुम्हारा दुख तो ज्यादा नहीं बट हमारा घर में तो सुधार हो जाए दूसरों का बिगाड़ हो तो बहुत ज्यादा हमारा दुख हो जाए ये तो ठीक है लेकिन दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं आज सोचा है कोई कोई बगल सेंट्रल आ जाए ना ताकि हाँ बे तो छोटी शिक्षा दे आ तो गांव की है कोई औरत था बोले और कोई औरत बोले का देखो सेंट्रल तो कतागड़ी अपनी ला रही जय लटा तक आसात कमीने है तो ई को साथ चोको आपने तो आधी औरत था बोले आधी औरत के ओ ले आ काई दे शिक्षा आई आपने जसी है सेंट्रल आवे कोई दिल्ली वाला आवे कोई अहमदाबाद वाला आवे तो चोकी जानकारी देवे बढ़ाता है आपने जिसी है तो आप ये जो सेंटर के साथ काम कर रहे हो इससे आपको लगता है कि औरतों में थोड़ी समझदारी आएगी हाँ आधी औरता तो होगी आधी औरता होगी तेरी फ्रंट फ्रंट हो गई हो जब नवृत्ति आगे आगे जाके काम करती थी और आगे केस चलाया तो आप क्या सोचते थे अच्छा काम कर रही है नहीं तो चौका सोचती भाई अच्छे काम कर रही है और अभी सोच रही है भाई चौका के लिए भाग रही है खोटा के लिए थोड़ी जा रही है और मोहल्ले वाले उसके लिए क्या कहते थे मोहल्ला वाले तो कहीं सोचा है मोहल्ला वाला तो सबला यहाँ नहीं सोचा भाई कहीं करी आ कहीं कर सके पर इमें उपजे अगली जगह दो बात करवा जा रही है हैं नहीं ज्ञान चर्चा हो तो कौन कौन पूछे इसमें ज्ञान है ज्ञान है तो सही ये ज्ञान इसको किसने दिया हर दामू उपजे और तो दूसरा के लिए थोड़ी आ रही है उसके हृदय में से ही आया हर दामू ही आवे पर कोई तो सिखाया भी होगा थोड़ा बहुत तो सिखाया तो कौन सिखाया हूँ तो कोई नहीं सीखा था अच्छा सिखाने से नहीं सीख सकते सिखाया हूँ तो लिखाई पढ़ाई सीख सके और तो कहीं सीख सके नहीं और तो अपना हर दामू बात करा कोई सिखाया हूँ थोड़ी है लोगों की बुराइयों के बावजूद भी नवरति अपने काम में डटी हुई है औरतों की जागरूकता और बढ़ाने के लिए अब वह खुद पढ़ना लिखना सीख गई है और महिलाओं के लिए रात का स्कूल भी चलाती है नवरत्ती की कहानी से हम ये सबक सीखते हैं कि अगर हम अपने हालात के बारे में जागरूक हों तो हम अपनी स्वयं की जिंदगी और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं।